सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के 1000 एमसीक्यूज का फिफ्थ पार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज का आज हमारा ये पांचवा पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चंस वाली सीरीज के हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। माते समृष्टि योजना पश्चिम बंगाल ने किस लिए शुरू की है, वो हमें बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए। जो ये मातृ समृष्टि योजना है पश्चिम बंगाल में से शुरू किया गया है, और क्यों शुरू किया गया है, बंजर भूमि के यूज के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो बंजर भूमि है उसके सदुपयोग के लिए मातृ समृष्टि योजना को पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप इस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसकी ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, उत्तराखंड राज्य में होप नाम से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और किस लिए किया है, राज्य के बेरोजगार युवाओं की हेल्प के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने 1 जून 2020 से अपने सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद को बेचने का फैसला किया है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, सी ए पी ई के द्वारा अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद को बेचने का फैसला किया है, और कब से किया गया है, 1 जून 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुजरात सरकार ने निम्न में से किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। कहां पर अनिवार्य किया गया है इसको, अहमदाबाद में। हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है, कौन से राज्य के द्वारा राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई, वो हमें बताना है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कर्नाटक राज्य के द्वारा ये राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, INS कलिंग में। ठीक है, INS कलिंग में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2020 का थीम क्या था, हमें क्या बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2020 जो है उसकी थीम हमको बतानी है क्या थी। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। तो क्या थीम रहेगी फ्रेंड्स, पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी, ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2020 का। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील के मार्केस ट्राइजो निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ओके फ्रेंड्स, ब्राजील के मार्केस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 27 मई 2020 को किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है, हमें बताना है फ्रेंड्स, किस नाम से इसकी लॉन्चिंग की गई है। ऑप्शन सी हमारी यहां पर करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 27 मई 2020 को पाई नाम से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितनी राशि को स्थानांतरित किया है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, 30,000 रूपए। ठीक है, 30,000 रूपए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया एथलीटो इनके अकाउंट्स में स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाल पुस्तक द इका बाग इसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के द्वारा एक बाल पुस्तक है जिसका नाम है द इका बाग। ठीक है, इसकी राइटर है जेके रोलिंग। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किरणजीत कौर जिन्हें वाडा ने प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण 4 साल का बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया है, किस क्षेत्र से हैं? हमें उनकी फील्ड बतानी है, कौन से क्षेत्र से हैं? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ये एक धाविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो थे क्या थे वो हमको बताना है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, प्रसिद्ध गीतकार थे। योगेश गौड़ प्रसिद्ध गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के अनुसार 2019-20 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितनी रही, वो हमें बताना है कितने परसेंट रही। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 4.2%, 4.2% केंद्र सरकार के अनुसार। ठीक है, और कब से कब तक? 2019 से लेकर 2020 में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो 4.2% रही है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेजान दारू वाला जिनका मई 2020 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? उनकी फील्ड हमें बतानी है, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, बेजान दारू वाला जिनका हाल ही में निधन हुआ मई 2020 में, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 जून 2020 से विप्रो के नए सीईओ एंड एमडी कौन बने? ऑप्शन सी हमारी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, थियरी डेलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर श्री रेखा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? ठीक है, किसके बारे में पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पर, आर श्री रेखा। ठीक है, और हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी केरल की। ठीक है, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्री रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश के क्रिकेटर सेहान मधुशंका को हीरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया? ठीक है, उनका निलंबन कर दिया गया। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एस एन राजेश्वरी को हाल ही में किसका सीएमडी बनाया गया है, वो हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी इनको बनाया गया है। किसके बारे में पूछा है यहाँ पर, एस एन राजेश्वरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस देश ने 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? ऑप्शन सी यहां पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, इजराइल। इजराइल देश के द्वारा 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर उसकी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए। और किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा ये वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5-स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए हमारी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी की सीमा 3% से बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, वो हमें बतानी है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 5% तक की बढ़ोतरी की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 20 मई 2020 को जारी एमएसएमई श्रेणी के उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार निवेश से संबंधित कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है? ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, ए बी और सी, ये तीनों ही मिलान यहाँ पर रोंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 20 मई 2020 को योग्य एमएसएमई तथा इच्छुक कर्जदारों को कितने तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? कितने तक की ये मंजूरी दी गई है वह हमें बताना है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 3 लाख करोड़ रुपए तक की ये मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को समझिए, 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, हमें बताना क्या है यहाँ पर कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश का हमें नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अजरबैजान। अजरबैजान के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई थी, जो कि 20 मई 2020 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 21 मई 2020 को मनरेगा श्रमिकों के लिए कितनी राशि जारी की है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 170 करोड़ रुपए, 170 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा 21 मई 2020 को, और किस लिए की गई है? मनरेगा के श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग कितने मुफ्त के सिलेंडर वितरित किए गए हैं? हमें जो फ्री सिलेंडर बांटे गए हैं उनके बारे में बताना है, और किसके तहत बांटे गए हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग कितने फ्री सिलेंडर बांटे गए हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ मुफ्त सिलेंडर बांटे गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, HIL इंडिया लिमिटेड निम्न में से किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने किस देश पर संधि के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुक्ताकाश संधि से वापसी की घोषणा की है? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगी, रूस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यश कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, UNAID इसने भारत की पहल परियोजना के लिए कितनी राशि प्रदान की है? ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, $3 मिलियन की यह राशि प्रदान की गई है। किसके द्वारा? UNAID इसके द्वारा, और भारत की पहल परियोजना के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 मई 2020 को वन नेशन वन कार्ड के तहत जोड़े गए 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हमें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, हरियाणा राज्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन निम्न में से किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक के द्वारा कैचअप नामक ये कॉलिंग एप्लीकेशन है जो इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 4 धाम परियोजना के तहत निम्न में से किस सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, चंबा सुरंग को। चंबा सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो कि 4 धाम परियोजना से जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका की हाल ही में अभी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 36वां राष्ट्रीय खेल जो COVID-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, कहां पर होना प्रस्तावित था? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, गोवा में। यह गोवा में होना था लेकिन COVID-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद नस्लवाद विरोधी देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को 2020 में कौन से पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि पाकिस्तानी मूल के गायक हैं अदनान सामी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 250, 2019 में सर्वाधिक FDI अंतर प्रवाह किस देश में हुआ? ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। इन देशों में 2019 में सर्वाधिक FDI अंतर प्रवाह हुआ। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमने CTET के एग्जाम के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप CTET की वो सीरीज भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।